हेलो एवरीवन, हियर वी नीड टू एक्सप्लेन हाउ द फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैनुअल। ठीक है, फर्टिलाइजर्स और मैनुअल में कैसे डिफरेंसेस होते हैं हमें वो बतानी है। तो लेट अस राइट डाउन फर्स्ट द फर्टिलाइजर्स इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड मैनुअल ऑन द राइट हैंड साइड एंड स्टार्ट आवर कॉन्वर्सेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्टिलाइजर्स आर कमर्शियली प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ओके, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जबकि मैनुअल जो होते हैं दे आर प्रिपेयर्ड बाय डिकम्पोजिशन। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एक्सक्रीटा एज वेल एज प्लांट वेस्ट से हम मैनुअल बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्लांट न्यूट्रिएंट्स हो गए फर्टिलाइजर्स, एंड मैनुअल जो है वो डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट्स हो गए ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा एज वेल एज प्लांट वेस्ट। सो दिस कुड बी द फर्स्ट डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट। नाउ लेट अस गो फॉर द सेकेंड पॉइंट, विच कैन बी दैट फर्टिलाइजर्स कैन बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, दोनों हो सकते हैं वो। मैनुअल्स आर ऑर्गेनिक मटेरियल, ओके, और उसके अंदर बहुत थोड़े से अमाउंट में प्लांट न्यूट्रिएंट भी होता है, ओके, हैव वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स एज वेल। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि फर्टिलाइजर्स हमारे ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं इन नेचर, वाइल मैनुअल जो होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं विद सम अमाउंट ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ओके, Now let us go for the third distinguishing point between fertilizers and manure. Fertilizers जो होते हैं, they ensure healthy growth and development of plant by providing them nitrogen, potassium, phosphorus. Okay, ये सारी चीजें fertilizers provide करेंगे। On the other hand, जब हम manure की बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हमें fertilizers ने nitrogen, potassium और phosphorus provide किया है plant को for development and healthy growth. Okay, now on the other hand, when we will go for manure jo hote hain, they help in ensuring the soil is having enough organic and materials. Theek hai, organic materials and nutrients hai soil ke andar enough quantity mein, ye ensure karne mein help karte hain, they enrich the soil basically. ओके, तो यहाँ पर हमारे जो फर्टिलाइजर्स हैं, दे आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग दीज स्टफ्स, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, और ऑन द अदर हैंड मैनुअल जो है वो एनरिच कर दे रहे हैं सॉइल को विद ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ओके, नाउ लेट अस गो फॉर द फोर्थ डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट, वेर इन वी कैन से दैट द एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। ठीक है, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं हम जब उसको एडिशन करेंगे टू द सॉइल, इट रिक्वायर्स स्पेशल गाइडलाइंस। कभी भी आप देखेंगे फर्टिलाइजर्स के भी जो भी बॉक्स होते हैं उनके पीछे लेबल्स होते हैं, एंड इट हैज स्पेशल गाइडलाइंस सच एज कितना डोज देना है, डोज टाइम, पोस्ट एडिशन प्रिकॉशंस बताए जाते हैं उसमें टू बी फॉलोड। ठीक है, आपको कैसे क्या क्या फॉलो करना है उसका एक प्रोटोकॉल लिखा रहता है बिहाइंड द फर्टिलाइजर्स। ओके, फर्टिलाइजर्स के लेबल पे आपको पूरा प्रोटोकॉल मिल जाएगा। On the other hand, जब हम मैनुअल की बात करेंगे, the addition of मैनुअल does not really require any specified guidelines. Okay? तो मैनुअल आप without any guidelines भी डाल सकते हैं, but if आपको fertilizers use करने हैं, you need to follow a particular guideline which is specified on that fertilizer box. Okay? Or from the distributor जिससे आपने लिया है। Next point we can say that फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, दे डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। ठीक है, फर्टिलाइजर्स से ह्यूमस नहीं होगा सॉइल को, बट ऑन द अदर हैंड मैनुअल जो है आपको ह्यूमस देंगे। मैनुअल विल प्रोवाइड द ह्यूमस टू द सॉइल व्हेन इट इज एडेड। नाउ फर्टिलाइजर्स, इन द फर्टिलाइजर्स वी कैन से दैट इट्स एक्सेसिव यूज कैन कॉज वाटर पोल्यूशन। ठीक है, फर्टिलाइजर्स जो हैं वो लीच कर जाएंगे अगर आप ज़्यादा यूज करेंगे, और लीच करके वो ग्राउंड वाटर लेवल्स तक पहुंच सकते हैं, सी, ओशन, रिवर, सब जगह पहुंच सकते हैं। हेंस फोर्थ द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर कैन कॉज वाटर पोल्यूशन, वेरी मेजर इफेक्ट। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी विल टॉक अबाउट मैनुअर, इट प्रोटेक्ट्स द एनवायरनमेंट, क्योंकि आप वेस्ट मटेरियल से बना रहे हैं। ठीक है, तो वो वेस्ट मटेरियल से बनने की वजह से वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहा है और वो रिसाइकल कर दे रहा है फार्म वेस्ट को, है ना। हमने पढ़ा था कि प्लांट वेस्ट से मैनुअल बनता है। तो से फॉर एग्जांपल अ फार्मर इज डूइंग एग्रीकल्चर एंड ही इज क्रिएटिंग सम वेस्ट, ओके, इज प्रोड्यूसिंग सम एग्रीकल्चरल वेस्ट, एंड देन ही इज कन्वर्टिंग इट इनटू मैनुअल।
तो उसने क्या किया, वो वेस्ट जो उसका पाइलअप होता है एनवायरमेंट में उसने वो बचा लिया। दैट्स वाई ही इज प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट एंड ही इज रिसाइकलिंग द फार्म वेस्ट। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।